हेलो दोस्तों, आज आपको हम दिखाते हैं कि इस कन्वर्टर से हम कैसे यूज करेंगे इस होम थिएटर को, वो भी कार में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बनाया था, इस होम थिएटर को अपने यूएसबी उसे कार चार्जर से चलाया था, कार इन्वर्टर से चलाया था, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है हम लोगों को। जिन भाइयों के पास में ये बूफर अपनी कार में लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास ये कन्वर्टर अवेलेबल है, जो कि मार्केट में 400 और 300-400 के रेंज में आता है। ये सही कन्वर्टर है। आपको इसका इंस्टॉलेशन बताते हैं किस तरीके से आपको इसे इंस्टॉल करना है कार में। तो हमारी जो कार है उसमें पहले से इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ था, इसलिए हमें इसमें वायर निकले हुए हैं। ये हमारे वायर जो है वो बैटरी से आया हुआ है, ये रेड वाला वायर प्लस टर्मिनल बैटरी से आया हुआ है, और ये जो ब्लैक वाला वायर हमारा है ये हमने यहीं से अर्थ लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार में आप कहीं भी किसी भी वोल्ट से ब्लैक वाला वायर अर्थ ले सकते हैं। तो लगाते हैं इसमें कन्वर्टर। ब्लैक वाले वायर में हम ब्लैक वाला वायर लगा देते हैं, यानी माइनस वायर में हम ब्लैक वाली इसको लगा देते क्लिप को। उसके बाद में हम रेड वाले में प्लस वाली में रेड वाली को लगा देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे कन्वर्टर में लाइट चालू हो गई है। ये सिर्फ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा वायर पड़ा हुआ था, इसलिए हमने वायर नहीं डाला हमारे, और इसीलिए आपको एम्पलीफायर से लगा के दिखा रहे हैं। और ये जो वायर है ये हमारा डेक से आया हुआ है, यानी इस वाली डेक से जो हमारा ये वायर आया हुआ है। अब हम इसमें लगाते हैं प्लग। तो ये हमारा बूफर का प्लग है जो कि एसी प्लग है, इसको हम आउटपुट में लगाते हैं। ये हमने लगा दिया है तो हमारा बूफर में जो है करंट आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बूफर में करंट आ चुका है। तो ये हमारे दो ट्यूटर हो चुके हैं, दो स्पीकर्स हैं, और मेन जो है बूफर जो बेस क्रिएट करता है वो ये है। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अब हमें क्या करना है, अपना ये जो डेक से वायर आया हुआ है, इसमें डेक दो तरीके के होते हैं। कुछ डेक होते हैं उनमें पीछे आउटपुट ऑडियो आउटपुट का सिस्टम होता है, लेकिन जो ये डेक हमारा लगा हुआ है इसमें ऑडियो आउटपुट का सिस्टम नहीं था। ये कंपनी से डेक आया था, इसमें ऑडियो आउटपुट सिस्टम नहीं था। तो इसके लिए हमने जो है एक मार्केट में आपको इस तरीके का एक स्पीकर टू ऑडियो एम्पलीफायर करके कन्वर्टर होता है, वो आपको मिल जाएगा 200 से 300 रुपए के बीच में। ये आपको कार श्रृंगार की शॉप पे मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके में ऑडियो आउटपुट डेक में नहीं है तो, नहीं तो अगर है तो वहां से आप दो अपने ऑडियो वीडियो के दो केबल ले सकते हैं। केबल भी वहीं पे आपको परचेज कर सकते हैं, वहीं पे मिल जाएगा। जितना लंबा केबल चाहते हैं उतना लंबा केबल हो जाएगा। इसको डिग्गी में भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारा है, इसको हम जैसा कि देख सकते हैं इस बूफर में ऑडियो इनपुट का ऑप्शन है। इसमें दो वायर हैं, दो प्लग यानी पोर्ट है इसमें, एक लेफ्ट का एक राइट का, लेकिन हमारे इसमें एक ही पोर्ट था, इसलिए हम आपको टेम्परेरी वे में बता रहे हैं। अगर आपको कभी लगाना हो तो आप इसमें दो पोर्ट वाला जो आता है उसमें दो ये ऑडियो वीडियो लीड लगा सकते हैं। इसको हम लगा रहे हैं इसमें राइट में, इसको हमने इन कर दिया है। अब हम अपना यहाँ पे सॉन्ग प्ले करेंगे। हमारा यहाँ जो ये होम थिएटर सिस्टम है, ये इसी कार की डेक से वर्क कर रहा है। तो आप जो है इस कार इन्वर्टर की मदद से, ये हम यहाँ पे अलग अलग कंपनियों का आते हैं, यहाँ पे ये रामसंस का 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर है, इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर कोई घर में बूफर रखा हुआ है तो सिर्फ 400 रुपए खर्च करके आप इस कन्वर्टर की मदद से अपना बूफर जो घर पे रखा हुआ है वो अपने कार में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको 10,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि कार में बूफर आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं कार के लिए जो आते हैं, ये हमारा सस्ता पड़ता है। बस आपको क्या करना है, इसको डिग्गी में इंस्टॉल करना है तो डिग्गी में आप कर सकते हैं, जहां भी आपको इंस्टॉल करना है वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने वहां पे वायर का इंस्टॉलेशन किया था, उसी तरीके से आपको वायर का इंस्टॉलेशन यहां भी करना है, और आपको इस बूफर को डिग्गी में रख देना है, और जो दोनों ट्यूटर आपके होंगे उनको एक यहां पे और एक यहां पे रख सकते हैं। अगर आपके में कार में अच्छा साउंड चाहिए आपको तो आप इन्वर्टर को भी यहीं पर रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ऑडियो वीडियो लीड जो है वो लंबी लेनी है,
और एक जो है एक प्लस वाला वायर जो है वो बैटरी से डाल के पीछे तक लाना है, जिससे आपका कार वो जो होता है, जो हमारा ये वाला वायर है ये हमारे बैटरी से आया है। बस अगर आपको ये बूफर इंस्टॉल करना है पीछे, तो आपको एक प्लस वाले टर्मिनल से ये वायर डाल के इस यहाँ से पीछे बिल्कुल ले जाना है गाड़ी में डिग्गी तक, और साथ में आपको दो ऑडियो वीडियो लीड जो कि कार श्रृंगार की शॉप से लंबी आपको अवेलेबल परचेज कर सकते हैं आप वहाँ से, वो भी आपको पीछे तक ले जानी है। और एक जो प्लस वाला वायर होता है वो आप कहीं से भी उसको बना के लगा सकते हैं, और साथ में आपको ये कन्वर्टर जो होता है इसमें आपको वहाँ पे वायर इंस्टॉल करने हैं और वहीं पे आपको बूफर रख देना है। बस आप जैसे यहाँ से प्ले करेंगे वहाँ आपका वर्क करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।